हेलो इंस्टाग्राम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके। मैं हूँ इरम अब्बासी, वाशिंगटन डीसी से आपके साथ। और आज जैसे कि आप जानते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी इंस्टा लाइव के थ्रू मुलाकात करवाएं उन लोगों से जिनको आप अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देखते हैं, पसंद करते हैं। और इस सिलसिले में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं इमरान अब्बास से। और जैसे कि आप जानते हैं कि वो मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशान, और इसके अलावा खुदा और मोहब्बत, अकबर अस्करी, इस तरह के ड्रामों में वो काम कर चुके हैं। उनको ये भी एक्सपीरियंस है कि उन्होंने इंडिया में भी जो है कुछ मूवीज़ में काम किया। और हेलो हारिस, क्या हाल है आपके। हमारे साथ आप लोग हैं, आई होप कि आप लोग अपना ख्याल रख रहे हैं। और ये जो कन्फ्यूजन का दौर है जिससे हम गुजर रहे हैं, उसमें आप लोग जो हैं अपना और अपने प्यारों का ख्याल रख रहे हैं। सो आप लोग जो हैं हमें ऑब्वियसली ज़रूर ज्वाइन करें, और जो सवाल आप इमरान अब्बास से पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं। अगर वैसे जहाँ मैं रहती हूँ आर्लिंगटन काउंटी में, तो सिर्फ यहाँ के केसेस की बात करें तो 1300 से ज़्यादा कोरोना के केसेस यहाँ पर अब तक हो चुके हैं। और थैंक यू रिदा फॉर बीइंग विद अस। और पाकिस्तान में भी जैसे कि हम जानते हैं कि 39,000 से ज़्यादा केसेस जो हैं कन्फर्म्ड केसेस कोरोना वायरस के अब तक रिकॉर्ड किए गए हैं। और हम सब जो है एक जिसे कहते हैं कि हमारी ओके परफेक्ट, नाउ आई कैन सी इमरान, लेट्स। सो आप अपने सवालात भेजते रहिए, और जो भी आप कहना चाहते हैं वो जरूर कहिए कमेंट बॉक्स में। और हेलो इमरान, क्या हाल है आपके। बिल्कुल ठीक ठाक जी, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच आपने वक्त दिया, और वी आर वेरी एक्साइटेड टू टॉक टू यू। सेम हियर जी, बिल्कुल। लेट मी जस्ट फिक्स माय फोन जी, एक सेकंड एंड द ऑडियो। यस, मैं कैन यू हियर मी नाउ। यस एब्सोल्युटली। All right, wonderful. मैं इस वक्त घर पे हूँ जी। दिस इज इस्लामाबाद एंड आई एम हियर इन माय लाउंज, एंड दिस इज माय फेवरेट प्लेस वेयर कैन आई कैन गो लाइव, बिकॉज आई हैव सेट अप द बेस्ट लाइटिंग अकॉर्डिंग टू माय स्टैंडर्ड्स। या आपके पीछे काफी डेप्थ भी है ना शॉट में। या सो दिस इज द कॉर्नर जहां मुझे कम से कम डिस्टरबेंस भी मिलती है इस मेरे वाले फ्लोर पे, एंड आई जस्ट गो लाइव फ्रॉम हियर। सो फैंटास्टिक। ये बताइए कि आई मीन ऑब्वियसली हम सब एक जिसे कहते हैं ना कि कोरोना वायरस की वजह से सबकी जिंदगियां मुतासिर हो रही हैं, कुछ की ज्यादा और कुछ की किसी हद तक कम। आप की जिंदगी में क्या बदला है जब से ये लॉकडाउन चल रहा है और जब से ये वबा फैली है। देखिए, बदला तो बहुत कुछ है। पिछले कुछ महीनों से मेरी जिंदगी में बहुत बहुत सारी तब्दीलियां आई। अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई फादर अ फ्यू मंथ्स बैक, सो आई वॉज ऑलरेडी I was here in Islamabad before this lockdown started. और हुआ ये था कि मैं अपना काम छोड़ के पापा की तबीयत की वजह से इधर आया था, and then my father passed away, and after that, so I didn't go back to Karachi or any work station जहाँ मैं जाता था। फिर मैं घर पे ही था, फिर then my mother, मेरा serious brain hemorrhage, तो वो back to back ऐसी चीजें हुई कि मुझे घर पे रुकना पड़ रहा था। So in a way, I always took this whole lockdown as a blessing for me, because मुझे उसकी वजह से घर पे ही होना पड़ा, और I spent the best time with my family, क्योंकि मुझे उस वक्त उनको बहुत ज्यादा time देने की और माँ को बहुत ज्यादा वक्त देने की जरूरत थी। I think that was very inevitable for me to to मुझे जी, तो उस वजह से मैं घर पे ही था, और मुझे बहुत एहसास है इस बात का कि बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में बहुत बहुत ज्यादा बदलाव आया है, और अनफॉर्चुनेटली वो जो लोग डेली वेजेस पे काम करते थे उनके लिए, एंड इवन द ऑर्गेनाइजेशंस जो कि बड़ा बड़ा सेटअप अपना चला रही थी, वो किस तरह अपने एम्प्लॉयज को पैसे पे उनकी तनख्वाहें दे रही होंगी जबकि काम ही नहीं हो रहा। बट अगेन हमें ये देखना है कि बिगर पर्सपेक्टिव में जिंदगी सबसे ज्यादा कीमती चीज है, और अगर हम 15 दिन के लिए इनिशियली एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर लेते और सब सोच लेते कि हाँ नहीं निकलना है, तो दिस होल प्लाइट वी आर सफरिंग फ्रॉम कुड हैव बीन इरैडिकेटेड इन द वेरी फर्स्ट प्लेस, उसी वक्त खत्म हो जाता। लेकिन ये जो थोड़ी सी लीकेजेस हुई हैं, जो लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया, उसके हम इतने ज्यादा अब देखिए कि क्या हम देख रहे हैं उसके नुकसान।
बहुत अफसोस है उन लोगों के साथ, लेकिन मुझे एक चीज अच्छी लग रही है कि हर चीज के अंदर अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई बेहतरी भी होती है। और ये जो वक्त है, मेरा ख्याल है ये हम सब लोगों के लिए एक ब्लेसिंग बन के भी आया है, जहां हमें अपने रिश्तों के साथ वक्त गुजारने का वक्त मिल रहा है, जहां हमें अपने अंदर एक इंट्रोस्पेक्ट का वक्त मिल रहा है, जहां हम एक्सक्यूज मी जहां हम अपने रब से कनेक्ट हो रहे हैं, जहां वो सारे रुके हुए काम जो हमारे अरसे से रुके हुए थे, और हमें बहुत सारी प्रायोरिटीज का अंदाजा हुआ है कि जिंदगी में कितनी ऐसी चीजें हैं जो कि शायद बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिनको हमने बहुत निग्लेक्ट किया हुआ था। तो हर चीज को कुदरत की तरफ से एक नेमत समझना चाहिए, और एक मैं तो कहता हूँ बीमारी भी बाज दफा आपकी तरफ एक नेमत बन के ही आती है, उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपके गुनाह झड़ रहे हैं। सो आई टुक इट दिस वे। What happened to your father? I'm so sorry to hear about him, and obviously your mother. My father was perfectly fine, and एक दिन, मैं आज से 5 महीने पहले हो गए, इन दिसंबर, अब उन्होंने मुझे कहा कि मुझे थोड़ा सा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैंने कहा, मैं पापा मैं आपके साथ सो जाता हूँ। तो मैं उनके साथ सोया, तो मुझे लगा कि रात को जब वो सो रहे हैं तो उनकी सांस थोड़ी सी, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो रहे हैं थोड़े से। तो फिर सुबह में हम लोग उनकी ECG कराई, वो कुछ सही नहीं आई, एंड देन एंजियोग्राफी उनकी कराई, तो फिर पता चला कि उनकी ब्लॉकेजेस थी। एंड आई फील माई सेल्फ सो अनफॉर्चुनेट दैट द नाइट, एक रात पहले उस जिस मॉर्निंग उनकी डेथ हुई है, मुझे लाहौर में एक इवेंट के लिए जाना था, तो मैं चला गया। मैंने कहा, पापा आप सही हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। एंड ही वाज लाइक, ही वाज फाइन, ही वाज परफेक्टली फाइन, ही वाज डूइंग वेरी वेल। और सुबह मुझे पता चला, मैं लाहौर में था, कि उनकी उनका इंतकाल हो गया। तो अचानक ही कुछ 4-5 दिनों में जिंदगी सब कुछ बदल गई, और ये सब कुछ हुआ। I cannot hear you. Imran, are you there? Sorry, बीच में आई थिंक ये वो डिसकनेक्ट हो गया था और रिकनेक्ट हो जी रहा था. या सॉरी जी अबाउट हो दैट. गया जी जी तो ये है। आई नो. सो आप इस्लामाबाद में हैं और अपनी फैमिली के साथ हैं, एंड हाउ इज योर मदर डूइंग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। आप सिबलिंग्स के साथ रहते हो? नहीं जी, मैं और मेरी फैमिली वालदा होती हैं, और मेरे पापा होते थे, तो हम तीन थे, हमारा ये फैमिली यूनिट था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फैमिली में मेरे बहन भाई हैं, लेकिन वो अपने अपने घरों पर होते हैं। तो हम इस घर में हम तीन लोग ही थे, जो कि अब दो रह गए, और बाकी जो सर्वेंट्स और लोग होते हैं। कैसा कैसा आपकी वालदा महसूस करती हैं कि इतने कम अरसे में यू बिकम, हर घर में आपको जाना पहचाना जाता है, पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी अक्रॉस द बॉर्डर भी लोग आपको जानते हैं और आपके काम की वजह से आपको पहचानते हैं. मैं आपको सही बताऊं कि मेरी वालदा को इस बात का ज्यादा एहसास नहीं है। वो बहुत एक सादा सी खातून है, और उनको वो ज्यादा, बस उनको जब लोग मिलते हैं, वो कहीं बाहर जाती हैं, वो सब कहते हैं कि अच्छा आप इमरान की वालदा हैं, और मेरे नाम से वो पहचानी जाती हैं, तो उनको बहुत इस वक्त वो होता है। अदरवाइज अभी तक मुझे वैसे ही लेती हैं, और उनको अभी भी ये होता है कि अच्छा आज ड्राइवर नहीं आया, आज वो बहन का ड्राइवर नहीं आया, तो जाकर जरा उसको, भांजे को जरा स्कूल से पिक कर लो। मैं कहता हूँ मम्मी जरा मुश्किल है, उस तरह नहीं हो सकता। या वो अभी तक उनके, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि देयर इज समवन इन योर लाइफ हु ऑलवेज ब्रिंग्स यू बैक टू द यू नो दैट नॉर्मल। एक आई थिंक ये इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा जो है गड़बड़ कर रहा है, बट लेट्स होप के थोड़ी देर. ट्रू दैट. सॉरी हमने थोड़ा सा आपकी वो मिस कर दी बिकॉज इंटरनेट की कुछ हाँ, मैं प्रॉब्लम्स कह हो रहा हूँ कि रही मुझे बड़ी खुशी होती है कि ऐसे लोग आपकी जिंदगी में कुछ होते हैं जो आपको वापस आपके एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करते हैं, और आपको वो आपकी औकात याद दिला के रखते हैं कि भाई थी. जरा इंसान के बच्चे बन के रहो। सो इमरान, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आप कर रहे थे और लॉकडाउन की वजह से उन पे वो रुक गए? लॉकडाउन से पहले आई हैड साइंड अ फिल्म, एंड जब पापा की डेथ हुई, तो उस वक्त उसके बाद, और मुझे पता था कि मम्मी की तबीयत भी अब सही नहीं होगी, तो आई हैड टू स्पेंड टाइम विद माई फैमिली। तो उस वक्त मैंने उनको कहा कि मैं अभी नहीं कर पाऊंगा। एंड देयर वाज अनदर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट विच वाज अबाउट टू स्टार्ट, उसकी रिहर्सल्स और उसकी सारी सारी जो चीजें थी वो शुरू होनी थी 15th of March से लंदन में, वो रुक गया। उसकी शूट रुक गई, उसकी सारी चीजें रुक गई, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। आप उसको कह लें कि वो हॉलीवुड और वो सारा का सारा एक है, तो उसकी वजह से वो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ, और उसकी वजह से मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ी हुई थी। बट अगेन, ये भी अल्लाह की तरफ से मसलहत होती है।
कोई बेहतरी होगी, और डेफिनेटली जब वो शुरू होगा तो सबको पता चलेगा, हर चीज की अपनी टाइमिंग्स होती है। थोड़ा सा बताइए, आई नो कि ऑब्वियसली आप उसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बट किस किस्म का रोल आप हॉलीवुड के इस प्रोजेक्ट में करेंगे? मैं एक फर्स्ट टाइम एक एक्शन हीरो का रोल कर रहा था, एक स्पाई का रोल कर रहा था उसके अंदर, और एक इंटरनेशनल स्पाई का रोल कर रहा था उसके अंदर, एक मोरक्कन टर्किश स्पाई का, तो मैं कुछ ऐसा था, इससे ज्यादा नहीं। Did you like the role? Are you excited about the आई role? लव्ड इट दैट या आई लव्ड इट दैट्स व्हाई आई वाज इंटरेस्टेड इन डूइंग इट। So, मुझे ये बताइए कि क्या क्योंकि आपने बॉलीवुड में भी काम किया, हॉलीवुड में भी अब आप करने जा रहे हैं, इसके अलावा पाकिस्तान में तो मूवीज ड्रामास जो भी हो आपने वो भी किए, वर्क एथिक्स के हवाले से क्या डिफरेंट आप पाते हैं इन तमाम देखिए इंडस्ट्रीज अभी में? हमारी ड्रामा इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। मैं जब काउंट करता हूँ तो अपने मेरे सीरियल्स तकरीबन, वो सीरियल्स और वन ऑफ्स और टेलीफिल्म और सारी चीज़ें मिला के उनकी उनका नंबर 200 से क्रॉस कर जाता है, 225 से भी ज़्यादा ऊपर। तो बहुत बहुत काम किया है ओवर द पीरियड ऑफ 17 ईयर्स नाउ। मैं जब आर्किटेक्चर करके निकला था अपने कॉलेज से, NCA से, तो वहां से फिर मैंने हाँ, दैट्स ऑल्सो आ गया था, फिर मैं इंटरेस्टिंग कि आगे। आपने पढ़िया कुछ है और कर कुछ रहे, लाइक मोस्ट ऑफ अस हाँ डू दैट, बट जी, क्योंकि NCA का एनवायरनमेंट बहुत बहुत आर्टसी है, तो वहां रहते हुए आपको सारी चीजें, ड्रामेटिक्स, म्यूजिक, इन सब चीजों का थोड़ा थोड़ा चलता रहता है सिलसिला। तो वो मैंने जितना काम किया है अपना टीवी का भी और अपने फिल्म्स का भी, ये सब चीजें, तो मुझे, मैं जब देखता हूँ पाकिस्तान में, माशाल्लाह हमारी टीवी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, और बहुत अभी फिल्म से मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा नहीं, बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, इसलिए कि अभी इंडस्ट्री एक नई इंडस्ट्री बन के इमर्ज हो रही है, जिसमें नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, नए स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग इंट्रोड्यूस हो रहा है, और मेहनत कर रहे हैं लोग। तो अभी अभी मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा सा फिल्म्स में टाइम लगेगा, लेकिन अचानक जो सब कुछ कोरोना की वजह से सिनेमा दोबारा इफेक्ट हुआ इंटरनेशनली, तो अब देखिए क्या होता है। लेकिन बाकी जब मैं वहां बॉलीवुड में मैंने काम किया, तो मैंने वहां टीवी भी किया इंडिया में, और वहाँ मैंने फिल्म्स भी की, 3 फिल्म्स मैंने की, जिसमें एक ऐदिल है मुश्किल थी, करण जौहर के साथ मेरी गेस्ट अपेयरेंस थी, एक जानिसार थी जो कि मुजफ्फर अली साहब के साथ थी, फिर एक क्रीचर थी जिसमें बिपाशा बासु मेरे ऑपोजिट थी, एंड देयर वर सो मेनी फिल्म्स व्हिच आई रिफ्यूज्ड एंड आई कुडंट वर्क बिकॉज ऑफ अदर फिल्म्स एंड अदर जो भी चीजें थी पीछे चल रही थी, क्या आप डिटेल्स बताऊँ। लेकिन मुझे उस इंडस्ट्री में रहने का बहुत वक्त मिला, और उन लोगों से इंटरेक्ट करने का, वहां के बेस्ट जो भी आपके टेक्नीशियंस थे, डायरेक्टर्स थे, एक्टर्स थे, म्यूजिशियंस थे, सबके साथ, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है। मेरा ख्याल है कि बहुत से लोगों को उससे सीखना चाहिए कि जिस तरह उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को लेके, आज बॉलीवुड एक इतना बड़ा नाम है कि वो लोग शायद बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स के नाम नहीं जानते, लेकिन शाहरुख, सलमान खान और माधुरी दीक्षित और आमिर खान को जानते हैं। सो इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर किसी की भी कामयाबी है और अगर वो अपनी मेहनत से एक जगह किसी ने बनाई है, किसी इंडस्ट्री ने, तो उसमें आपको किसी भी तासुब के बगैर और किसी भी अपने जहन में अलग से उसके बारे में सोचने के बजाय इस अच्छाई को एक्सेप्ट करना चाहिए, और सॉरी देखना चाहिए कि उनको किस तरह यहाँ से यहाँ तक पहुंचे। तो इसमें कोई ऐब नहीं है, कोई बुराई नहीं, एंड आई थिंक दे हैव गॉन फार अहेड वेयर दे स्टार्टेड फ्रॉम। आपने आज की टूर रिफ्यूज की करने के लिए आपको ऑफर आई थी? हाँ जी, बहुत दफा ये बात हो क्यों? चुकी है, आई और नो, मैं उस वक्त एक सॉरी जी, मेरा एक बार बार वॉल्यूम का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, आशिकी 2 के पीछे बहुत बड़ी कहानी कोई ऐसी नहीं थी, बस एक सिंपल सी बात ये थी कि आशिकी 2 जब मुझे ऑफर हुई थी, तो मैं एक और फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट में था, और मैं वो फिल्म करना चाहता भी था, लेकिन मुझे वो मना करनी पड़ी, इसलिए कि मेरे वर्क एथिक्स जो थे वो बहुत ज्यादा मुझे उस चीज से मना कर रहे थे। ऑल्दो मैंने एक वर्बल कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था एक और प्रोडक्शन हाउस के साथ, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि मुझे वो तोड़ना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, तो उस वजह से मैंने आशिकी 2 मुझे, मैं नहीं कर पाया, और बस इमरान ये बताए कि एज एन आर्टिस्ट जी। ये आपके लिए अनोइंग होता है कि जब मुल्कों की सियासत की वजह से आर्टिस्ट जो हैं कोलैबोरेट नहीं कर सकते हैं, मिलकर काम नहीं कर सकते हैं, हालांकि एज दे से कि आर्ट की कोई बाउंड्रीज नहीं होती है, लेकिन बिकॉज ऑफ आपकी जो मुल्की सियासत है उसकी वजह से अब आप इंडिया पता नहीं जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, जब चीजें होपफुली किसी हद तक अगर नॉर्मलाइज होंगी अब. मुझे हमेशा ये लगता है रम, कि
हम लोगों को मोहब्बत और पॉजिटिविटी का दामन आखिरी मिनट तक नहीं छोड़ना चाहिए. नॉट बीइंग एन आर्टिस्ट ओनली, आप जिंदगी के किसी भी मकाम पर हो, कुछ भी आपका प्रोफेशन हो, जंगें, नफरतें, दुश्मनियां, ये किसी चीज का हल नहीं है. मैं बिल्कुल ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ, अक्सर लोग ये कहेंगे कि भाई ये तो बड़ी अजीब बात है, आपको शायद इंडिया में काम करने का शौक है, आपको शर्म नहीं आती कि इंडिया में आपके बारे में ये बात भी की जाती है. मैं ये बात अपने लिए भी कहूंगा और उन लोगों के लिए भी कहूंगा, उन एक्टर्स उन आर्टिस्ट के लिए भी जो कभी पाकिस्तान के अगेंस्ट बयान देते हैं, और हमारे आर्टिस्ट उन लोगों, क्योंकि प्लीज प्लीज आप किसी कौम से, आप किसी हुकूमत से को बुरा कह सकते हैं, आप किसी हुकूमत की पॉलिसीज को बुरा कह सकते हैं, लेकिन आप किसी कौम को या किसी इंसानों के ग्रोह को को बुरा नहीं कह सकते, आप किसी मजहब को उस तरह बुरा नहीं कह सकते. इंडिविजुअल कोई इंसान बुरा हो सकता है, किसी मुल्क का कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई उसकी पॉलिसीज वो जो इम्प्लीमेंट कर रहा है शायद वो गलत हो या वो सही हो, लेकिन आप पूरी कौम को नहीं कह सकते कि ये सारा इंडिया बुरा है या सारा पाकिस्तान बुरा है या सारे मुसलमान बुरे हैं, ये गलत बात है. तो आर्टिस्ट ने हमेशा एक पॉजिटिव पार्ट प्ले किया है और उसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी हम कल्चरल वॉर्स भी जीत चुके हैं और बहुत सारे मुश्किल हालात में हम करीब रह चुके हैं. लता जी को हम भी उतना ही प्यार करते हैं जितना इंडिया में किया जाता है, मैडम नूरजहां को, नुसरत फतेह अली खान को, आतिफ असलम को उतना ही प्यार किया जाता है इंडिया में जिस तरह हम प्यार करते हैं, फरीदा खानम को, मेहदी हसन खान साहब को, शाहरुख हमारे यहाँ भी उतने ही बड़े स्टार हैं जितने इंडिया में हैं. तो ये मोहब्बतों की बातें होती हैं, ये प्यार की बातें होती हैं, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर आप प्यार स्प्रेड कर रहे हैं. मुझे लगता है कि हमें जब भी मुश्किल घड़ी आई है, एक्टर्स, आर्टिस्ट, सिंगर्स, म्यूजिशियंस, टेक्नीशियंस, हम मीडिया के लोग होते हैं, उन्होंने बहुत पॉजिटिव पार्ट प्ले किया है. तो जब मुझे बड़ा अफसोस होता है कि कभी मैं किसी इंडिया से या पाकिस्तान से किसी का नेगेटिव ट्वीट या कोई नेगेटिव ऐसी बात देखता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि यार हमें इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए, और हमें जो है ना आखिरी वक्त तक जो है ना, जब तक हम, कि अगर खुदा ना खास्ता ये जो वॉर छिड़ी या कुछ ऐसा कुछ हुआ, देखिए नफरत की बात करना, उसको ट्रिगर करना, उसको एग्रीवेट करना, उसको इग्नाइट करना बड़ा आसान होता है. एक पूरा जंगल जो है ना, वो किसी छोटी सी माचिस की तीली से जल सकता है जो बड़े प्यार से उगाया गया हो. तो अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वक्त आया, तो ये फिर ये तोपों की और बंदूकों की जंग नहीं होगी, ये पूरी इंसानियत की मौत होगी. तो हमें उसको बचाना है, हमने उसको सेव करना है, और उसके लिए हमें जितनी भी मेहनत करनी पड़े मेरा ख्याल है करनी चाहिए. ठीक है, काम नहीं होता इंडिया पाकिस्तान में आपस में, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट नफरतें और दिलों के अंदर जो है ना वो बाल नहीं आना चाहिए. इमरान, इससे पहले कि हम आपसे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में और आप एक्टिंग में किस तरह से है उस पर जाए, मुझे ये बताइए, क्योंकि हम इंटरनेशनल कंटेंट और आर्टिस्ट की कोलाबरेशन की बात कर रहे हैं, तो अभी हमने देखा कि जो टर्किश ड्रामा चल रहा है पाकिस्तान में उर्तगाल के नाम से, इट्स वेरी पॉपुलर, पीपल आर लाइकिंग इट, जी बट देर आर ऑल्सो आर्टिस्ट जिनको जिनका ये भी कहना है कि आप जो है अपने कॉन्टेंट को प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं, आप एक फॉरेन कॉन्टेंट लेकर उसको आप प्रमोट कर रहे हैं, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मैं किसी और टर्किश ड्रामा के बारे में बात करने से पहले बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस सीरियल का थोड़ा सा जो है ना कि सिग्निफिकेंस और है, और इसकी जो एक वेटेज है वो और तरह से है. मतलब ये सिर्फ एक टर्किश ड्रामा नहीं है, ये एक इस्लामिक कैरेक्टर को दिखाया जा रहा है जिसकी हिस्टोरिक कंट्रीब्यूशन क्या थी, बैकग्राउंड. हिस्टोरिक बैकग्राउंड क्या था. तो मैं जरूर जाऊंगा कि हमारे यहाँ ये चीजें अभी तक नहीं बनी और अभी बननी चाहिए, लेकिन ये बहुत हैवी बजट चीजें होती हैं, इसके लिए गवर्नमेंट को भी कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए कि लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करे और ऐसी चीजें बना के हम लोग भी दिखाएं. हमारी हमारी भी एक इस्लामिक हिस्ट्री है बहुत, हमने अपने तौर पे मोहम्मद बिन कासिम और इस तरह के छोटे छोटे प्लेस बनाए, लेकिन जो इनका मैग्नीट्यूड होता है, जो इसमें जो इसकी जो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसके बजट्स और सब कुछ, वो बहुत हैवी होते हैं. तो उसके लिए हमें चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें थोड़ा सपोर्ट करे, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर वहां से कुछ ऐसी चीज आ रही है, लेकिन हाँ, मैं एक रेगुलर बेसिस पे मैं सपोर्ट नहीं करता कि इतना ज्यादा आ जाए कि हमारी इंडस्ट्री उसके सामने पिस जाए. लेकिन इसका कंटेंट इतना स्ट्रांग है, मेरा ख्याल है कि उसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर अगर आप जब इस तरह का बनाएंगे तो. और मैं चाहता हूँ कि और भी इस तरह के, जिस तरह आप YouTube पे देखते हैं, इस तरह मुख्तार नामा एक बहुत खूबसूरत सीरियल था जिसमें हजरत मुख्तार की ने किस तरह वाकई करबला के बाद उन
तमाम दुश्मनान अहले बैत से जिन्होंने इमाम हुसैन का के साथ उनके खानदान के साथ किया था, उन्हें किस तरह से बदला लिया। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं हमारी हिस्ट्री के जो ड्रामे बन चुके हैं, उनको अगर यहाँ लाके आप डब करके दिखाए, जो मेरे ख्याल है बहुत अच्छी बात है, लेकिन द सेम टाइम वो प्रैक्टिस नहीं बननी चाहिए। आप अपनी ड्रामा इंडस्ट्री एक बैलेंस जरूर होना चाहिए। राइट अच्छा वो एक बात जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी वो ये है कि क्योंकि हमने उसमें टर्किश ड्रामे में देखा कि हलीमा का जो कैरेक्टर है उनको बहुत ट्रोल किया गया ट्विटर पे बिकॉज लोगों की राइट देयर वाज दिस ट्रेंड गोइंग ऑन अस्तगफिरुल्लाह हलीमा बाजी में हलीमा सो बाजी, और बाजी को एग्जैक्टली पता भी नहीं होगा कि वो बाजी बन गई है यार। सो एंड नाउ एवरीबडी हैज अ राइट और सॉर्ट ऑफ द थिंग कि उनके पास ये हक है कि वो उनकी लाइफ चॉइसेस को क्वेश्चन करें बिकॉज ये एक उन्होंने किरदार अदा किया है तो वो अब उससे बाहर नहीं जा सकते सो एक तो हाउ डू यू फील अबाउट दैट और खुद आपके साथ पर्सनली कभी ऐसा हुआ कि अरे मुझे मुझे तो भाई, मैं तो हर दूसरे दिन किसी ना किसी बात का शिकार हो रहा था। मुझे हम बड़े बड़े मासूम से कौम भी है, और एक और अनफॉर्चुनेटली हमारे अंदर बहुत सारे, हर जगह की तरह बहुत सारे नेगेटिव लोग भी हैं जिनका काम सिर्फ जो है ना तनकीद करना होता है। आज भी मैंने अगर कोई अपनी स्विमिंग करते हुए तस्वीर लगा दी जिसके अंदर मेरा सिर्फ इतना शोल्डर नजर आ रहे हैं, अस्तगफुरुल्लाह लानत हो तुम्हारे ऊपर। रमजान में ऐसी तस्वीरें लगा दी, और एक आया कि अगर किसी लड़की ने ऐसी तस्वीर लगा दी होती तो तुम्हें बड़ी तुम बड़ा बुरा लगता, आज लड़के ने लगा दी तो कोई कुछ नहीं कह रहा। अरे भाई फर्क है, यकीनन लड़कियां लगाएं तो थोड़ा सा मतलब प्लीज, ये हमारे आपको और सिर्फ तनकीद करने का इतना ज्यादा हम लोगों को शौक है कि वो पूरे पिक्चर में से कहीं ना कहीं से, उस फ्रेम से लेके उसके मेन पिक्चर में से कहीं ना कहीं कुछ सबसे बुरा एलिमेंट निकाल लेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। इस्लाम को तो एक मजाक बना दिया है ना, इस्लाम कुछ समझ में नहीं आता तो इस्लाम के पैराए में लाके उसको आप कर दें, और उसको लोग आपके साथ भी देना शुरू कर देंगे, इसलिए कि अगर आपने साथ नहीं दिया तो लोग कहेंगे अरे मतलब एंटी इस्लाम की बात हो रही है। लेकिन आपको बेसिक्स ही नहीं पता कि क्या, और अगर भाई उसकी वो पर्सनल लाइफ है, वो जो भी कुछ कर रही है, वो कैरेक्टर प्ले कर रही है। एंथनी हॉपकिन किसने किया था, हजरत अमीर हमजा का कैरेक्टर मैसेंजर के अंदर, वो एक नॉन मुस्लिम ने किया था, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द एक्टर। बॉलीवुड के कितने क्रिश्चियंस एक्टर्स ने मुसलमानों के रोल किए हैं द मैसेज में और बहुत सारी फिल्मों के अंदर, तो वो एक कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं, उसका जाती जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो जो भी कुछ करें खुदा का वास्ता उनको करने दें, और जज मत करें, आपकी अपनी जिंदगी है, आप भी परफेक्ट नहीं है, हर कोई अपनी जिंदगी में गलतियां करता है, सही होता है। और मैं उसको ये गलती और नहीं गलती ना गलती सही या गलत का तो मैं फैसला कर ही नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी वो कर रहे हैं उनको करने दें, आप अपने अमाल सही करें और अपने आप को ठीक करें। और अगर वो एक कैरेक्टर अच्छा पोर्ट्रेट कर रही है तो प्लीज आप उस पर तनकीद करें, उस पर भी तनकीद क्यों करें भाई सबसे पहली बात, लेकिन जाती जिंदगी उसको तो प्लीज आप दूर रखें। हाउ डू यू डील विद दैट जब आपको इस तरह के कमेंट्स मिलते हैं और आई जब मेरी तो वैसी कोई क्रोकोडाइल स्किन हो चुकी है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लिटरली। मुझे हंसी आती है बाज़ बाज़ चीजें सुन के, और इस इंडस्ट्री की और इस दुनिया की एक जो फितरत है वो ये कि आज की जो हेडलाइन होती है वो कल रद्दी हो चुकी होती है। तो सबसे इसका तो बेस्ट तरीका ये होता है कि आप बस खामोशी के साथ वो वक्त गुजारें, कल कोई और खबर होगी और आपकी खबर कहीं पीछे जा चुकी होगी, तो अपने आप को उस फ्रेम ऑफ माइंड में ले जाने की जरूरत ही नहीं है जहां आप रिएक्टिव हों, जहां आप अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाएं, जहां आप अपनी खुद एंगजाइटी से गुजरें, कोई आपको कुछ भी कह दे, आप बस खामोशी के साथ उस वक्त को गुजारें, और कल तक आप खुद भी उससे निकल चुके होंगे और दूसरा भी किसी और के ऊपर वो उंगली उठा रहा होगा, इसलिए उसका तो काम ही उंगली उठाना है, उन्होंने तो करना ही है तनकीद। तो इन नेगेटिव लोगों को बस के लिए आप बस उनके हक में दुआ करें कि अल्लाह उनको हिदायत दे, क्योंकि अपनी जिंदगियां वो बड़ी खराब कर रहे होते हैं इस नेगेटिविटी को लेके, वो अपने आप के साथ कितना नुकसान कर रहे होते हैं उनको खुद नहीं पता होता। नेगेटिविटी इटसेल्फ इज अ डिजीज, ये तो खुद एक बहुत अजीब सा सिंड्रोम है जिसको जिससे अल्लाह उनको निकाले। मुझे ये बताइए इमरान कि जैसे कि आपने खुद ही मेंशन किया और मैं भी जब आपकी आपके बारे में पढ़ रही थी तो आपने आर्किटेक्ट बनना था वो पढ़ा एंड बन एक्टिंग गया था बन गया था बन गए बन सो गया था तो कैसे कैसे लाइक यू नो क्या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस था जहाँ पे आपने डिसाइड किया कि नहीं मुझे ये नहीं मुझे एक्टिंग करनी है
मुझे कैसे? मुझे वो पता, मुझे आज तक नहीं पता चला कि वो कौन सा मोमेंट था जब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं एक्टर बनूंगा और मैं आर्किटेक्चर नहीं प्रैक्टिस करूंगा। वो इतना कुछ वो लाइन इतनी डिफ्यूज सी है मेरी लाइफ के अंदर कि मैं साथ साथ जब एक्टिंग और मॉडलिंग कर रहा था तो मैं उस वक्त जॉब भी कर रहा था, इंटर्नशिप कर रहा था, और मैंने साथ साथ कुछ छोटे छोटे काम करने शुरू कर दिए थे। फिर अचानक काम ज्यादा होना शुरू हुआ और बस वो होता चला गया और मुझे पेमेंट ज्यादा अच्छी मिलनी शुरू हो गई और प्रोजेक्ट्स के एक खत्म नहीं होता था तो दूसरा शुरू हो जाता था और मैं भूल भी गया और मेरे जहन में भी नहीं रहा कि अरे मैं तो एक साथ एक और काम भी कर रहा था जिसका नाम आर्किटेक्चर था, इसके लिए मैंने 5 साल की डिग्री ली थी। तो वो ऑटोमेटिकली वो चीज ऐसा ऐसा करके गायब हो गई। बट इवन नाउ आर्किटेक्चर इज माई फर्स्ट लव, एंड इवन इफ आई गेट द टाइम टू गेट बैक टू आर्किटेक्चर नाउ, आई वुड लव टू गो टू आर्किटेक्चर अगेन एंड स्टार्ट इट फ्रॉम द स्क्रैच, बिकॉज आई लव आर्किटेक्चर। इट्स लाइक फ्रोजन म्यूजिक, क्योंकि मैं खुद क्लासिकल सिंगर भी हूँ और गाता भी हूँ, तो मुझे लगता है कि म्यूजिक को अगर कोई फॉर्म दे दी जाए स्ट्रक्चरल, तो इट बिकम्स फॉर्म ऑफ अ बिल्डिंग। आगे जाके हम आपसे कुछ सुनेंगे, तो प्लीज आप अगर इफ यू डोंट माइंड आप सोच लें अभी से स्ट्रक्चर्स खाना शुरू कर दूंगा। ओके क्योंकि जब मैं यू नो लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स जो कि खवातीन हैं, तो जब मैंने उनको बताया कि मैं आपका इंटरव्यू करने जा रही हूँ, दे वर लाइक सुपर एक्साइटेड. यू आर वेरी पॉपुलर अमंग गर्ल्स, और आप उनको बहुत खूबसूरत भी लगते हैं. डू यू नो दैट? अच्छा, आपको नहीं लगता? लाइक हाउ डज इट फील, लाइक यू नो मतलब लोग आप बाहर जाते होंगे तो लोग आते होंगे, लड़कियां या यू नो मर्द हजरा जो आपको पसंद करते हैं आपकी एक्टिंग की वजह से, हाउ डज इट हाँ, फील, हाउ डू यू डील विद दैट? मजा आते है? देखिए, इंसान की फितरत में है कि उसको चाहे जाना अच्छा लगता है। ये एक कुदरत की तरफ से उसकी एक वो है, वो कभी भी मोहब्बत से उसका दिल नहीं भरता। जितनी भी ज्यादा मिले उसका दिल हमेशा और चाहता है और चाहता है। तो ये प्यार जो मिलता है ये तो बहुत बहुत ज्यादा आपके लिए ओवरवेलमिंग भी होता है, और आपके लिए एक एक्टर के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए, किसी भी इंसान के लिए, एक ऑक्सीजन का काम भी देता है। तो ये मोहब्बत बहुत प्यारी चीज है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सब लोगों का जो कि मुझे दुनिया के हर कोने से प्यार करते हैं और मुझसे नाराज भी होते हैं कि मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाता और उनकी एक्सपेक्टेशंस ही मुझसे बहुत हाई होती हैं। बट इट्स ऑलवेज अ ब्लेसिंग, मेरे ख्याल है तो हमेशा एक नेमत होती है किसी भी इंसान के लिए। बहुत अच्छा लगता है। डील में कैसे करता हूँ, मुझे, मैं बहुत बुरा हूँ कॉम्प्लीमेंट्स लेने के मामले में, मुझे कुछ आई समझ में नो नहीं सम आता। पीपल आर लाइक दैट, दे डोंट नो हाउ टू टेक अ जी, कॉम्प्लीमेंट. अभी तक मेरे साथ ही होता है, अभी तक ही होता है कि मैं कुछ मैं जी थैंक यू, शुक्रिया, ओके, रियली, मतलब मैं कुछ समझ में नहीं आता उसको, मैं क्या जवाब दूँ। सो हम थोड़े से कमेंट्स भी लेते हैं बिकॉज़ लोग जो है काफी देर प्लीज से गो अहेड। जी, जरूर जरूर, क्यूट अलीजा कह रही है कि वो आपकी बहुत बड़ी फैन है. थैंक इसके यू अलीजा। अलावा मुंबई से भी मैं हरीम हरीम कह रही यू आर वेरी हैंडसम, बहुत शुक्रिया हरीम। और ग्वादर से भी आपको हेलो बोल रहे हैं लोग. एंड देन किसी ने पूछा था कि आपकी गर्लफ्रेंड है, आर यू सिंगल मैरिड? आई मीन ये पर्सनल सवाल पूछते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट देन बिल्कुल अगेन नहीं, खोल के पूछिए जी, क्योंकि मैं जब अपने आपके आपको मैं डेली गूगल करता हूँ और कुछ ना कुछ नया आया हुआ होता है, और कभी बाज दफा तो ये बड़े मजे का होता है कि इमरान अब्बास की बीवी या वाइफ देख के आप दंग रह जाएंगे। मैं कहता हूँ मुझे भी तो पता चले कौन है वो दोशीजा, और वो पता चलता है कि जी वो तो कोई पता नहीं एक्ट्रेस की तस्वीर लगाई हुई होती है, कभी उन्होंने सारा लॉरेन या मोनालिजा की तस्वीर लगाई थी, कभी रीमा की तस्वीर, कभी किसी की भी लगा देते हैं वो। मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी मंगनी भी नहीं हुई है, आई एम स्टिल सिंगल एंड यस, हाँ क्या ये क्या जवाब है? गर्लफ्रेंड नहीं, हाँ मतलब और हाँ थैंक हाँ यू. हाँ और हाँ कि मैं सिंगल हूँ और गर्लफ्रेंड नहीं है। यू नो जब मैं भी आपको गूगल कर रही थी, हाउ ओल्ड आर यू? ओ, ये वाला सवाल जरा थोड़ा सा अजीब सा है। देखिए, बस आप कैलकुलेट कर लेंगे, जब मैं आया था तो मैं, मेरा पहला जो कमर्शियल चला था उस वक्त मैं स्कूल में पढ़ रहा था, और मैं जब आया था तो मैं कॉलेज, अब मैं ज्यादा स्टैट्स में नहीं जाऊंगा और ज्यादा न्यूमेरिक्स में नहीं जाऊंगा, बट वो फिर आगे जाके कभी मसला हो जाएगा। कभी मैंने आज बोल दिया था कि आज की तारीख में इमरान ने कहा था उसकी एज है तो अब ये इतने का होगा। बट आई वॉज इन, मतलब मैं कॉलेज में था जब मैंने अपना पहला सीरियल किया था, और अब मुझे काम करते हुए कितने 17 साल हो गए लगा लीजिए।
ओके द रीजन आई अच्छा, एम और एक ये मेंशनिंग, भी है, हाँ विकिपीडिया पे बार बार कोई बंदा मेरी एज चेंज कर रहा होता है आजकल, आई ये मुझे नो बड़ी दैट्स कमाल। एग्जैक्टली व्हाई आई एम आस्किंग, बिकॉज़ यू नो कहीं पे लिख रहा है एवरी लाइक एवरी आफ्टर एवरी वीक कोई एक इंसान है जो कि बहुत मेहनत से मेरी एज, कोई पता नहीं कभी 45, कभी 47, कभी 46, उसको खुद भी नहीं पता कि क्या करना है, और वो ऊपर नीचे हुए चली जा रही है। और फिर मैं अपनी अपनी मैनेजमेंट को कहता हूँ कि भाई इसको करेक्ट कराएं, मैं अपना पासपोर्ट उनको भेज रहा होता हूँ, कभी ये कर रहा होता हूँ कि आप ये देखिए ये देखिए, और मैं उस वक्तों का नहीं हूँ ना, मेरे पेरेंट्स इतने चालाक थे कि वो मेरे आईडी कार्ड में ना एज चेंज कराते। तो फिर वो वापस 30s में चली जाती है, फिर जब वो फिर वापस वो दूसरे भाई जो है वो पता नहीं भाई है कि बहन है कौन, इतनी अपना मेहनत कर रहे हैं, वो फिर मुझे 40s में ले आते हैं, फिर मैं तो मतलब ये आगे पीछे चलता रहता है। I mean, I was shocked because I thought that you're probably younger than me. क्योंकि आप लगते बहुत यंग है, ठीक है? और मतलब बस जब मैं ये जाके थैंक्स टू माय किसी के, जीन्स। it's he, right? हाँ, I was getting there कि ये क्या है, जीन्स है या कोई सीक्रेट है जो आप शेयर करें लोगों के साथ? Because yeah, I thought you're probably in your early 30s. You know, हाँ बस आसपास ही है, तो इतना ज्यादा दूर तो नहीं आसपास ही है। So, मुझे टेल मी अबाउट योर चाइल्डहुड. मैं कहीं सुन रही थी, देख रही थी आपके इंटरव्यू, तो आप यू कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे शेरो शायरी म्यूजिक उसको वैल्यू किया जाता है, एंड हाउ डिड दैट हेल्प यू? म्यूजिक को एज सच नहीं, म्यूजिक से कोई इतना ताल्लुक मेरा फैमिली के हवाले से नहीं रहा, हाँ शायरी से बहुत ज्यादा रहा। और म्यूजिक ये कि मेरे मेरे घर में अच्छा टेस्ट था म्यूजिक सुनने का, तो उस वजह से शायद उन्होंने मुझे बहुत उस चीज़ ने बहुत हेल्प किया। फिर मेरी आवाज़ अच्छी थी, तो मैं बचपन से कॉम्पिटिशन्स किया करता था, नातों के, मिली नगमों के, कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे, तो वहां से फिर मैं थोड़ा सा मैंने बचपन में सीखा भी, तो वो और लेकिन अच्छी बात ये थी कि मुझे रोका नहीं गया, तो वो उसने मतलब एक एनकरेजमेंट मुझे दी, और हमेशा से पेरेंट्स की तरफ से एक मुझे कोई रोक नहीं थी। तो सबसे छोटा होने की वजह से मैं अपनी मर्जी भी करता था, और जो मेरा दिल चाहता था मुझे करने का मौका मिलता था। बट यस, पोइट्री वॉज लिटरेचर हमारे घर में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है उसने, और मेरे ब्रॉटअप में भी और मेरी ग्रूमिंग में भी, एंड अभी भी मुझे लगता है कि मेरे इट हेल्प मी आउट अ लॉट इन सो मेनी डिफरेंट वेज, कि मैं आज भी अकेला नहीं होता, बिकॉज आई रीड अ लॉट, एंड आई मेरे लिए जो वक्त गुजारने के लिए जो लोग होते हैं ना, वो मेरी किताबें होती हैं, या वो सारे लोग जिनके साथ मुझे बैठ के कुछ सीखने सोच समझने का, मुझे मैं पार्टीज में नहीं जाता हूँ, मैं आपको नाचता गाता नहीं नजर आऊंगा जगह जगह पे, Page 3 में चीक टू चीक तस्वीरें मेरी नहीं आ रही होंगी या कुछ ऐसे, क्योंकि मुझे इससे बेहतर बहुत अच्छा लगता है कि मैं सुकून से किसी बुजुर्ग के साथ, किसी अच्छे आदमी के साथ जिसके पास कुछ नॉलेज है, कुछ इल्म है, वो चाहे वो गांव के किसी कोने में रहता हो, चाहे वो किसी बरगद के किसी दरख्त के नीचे बंजी डाल के बैठा हो, उसके साथ मुझे ज्यादा मजा आता है। और मैं बड़ा अर्दी किस्म का आदमी हूँ, बड़ा जमीन जमीन से उठने वाला और जमीन के लोगों के साथ रहने वाला, सो आई फील वंडरफुल बीइंग विद पीपल हु आर फ्रॉम फ्रॉम द सॉयल। राधा कह रही है इमरान इज माइंड, आर यू ओके विद दैट? इमरान इज माइन, हाँ, राधा है जो इंडिया अच्छा से. जी राधा का हो गया जी मैं। इसके अलावा फातिमा कह रही है आई एम योर बिगेस्ट फैन, आप राधा का यहाँ श्याम। वहाँ पे. एग्जैक्टली. सो इसके अलावा इमरान भाई, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपके सारे ड्रामे बहुत शौक से देखता हूँ. नादिया हेलो बोल रही हैं आपको. ना हाँ जी हाँ, नादिया आपको हेलो बोल रही हैं, और जो हाय है नादिया, यू आर अ जेम ऑफ अ पर्सन ओ साजिद के, थैंक यू सो मच, ट्रू बहुत ही शुक्रिया, जेंटलमैन. और बहुत मदिया शुक्रिया, आपको हाय बोल रही हैं, हाय और मदिया, हाय आप प्लीज दिन को किस टाइम लाइव आएंगे दोबारा? दिन को मैं किस टाइम, मुझे कुछ नहीं पता अब तक, सुबह क्या होना है मेरे साथ। Tell me something that I mean you've already talked about it शुरू में कि किस तरह से you know being close to family and ये opportunity मिलना कि आप अपनी family के साथ वक्त गुजार सकें is something that you really value, और जो lockdown ने possible भी कर दिया without even have to उसको एक बार में decide भी करने की जरूरत नहीं है. But is it something that जो आपने अपने बारे में कोई ऐसी चीज इस lockdown के अरसे के दौरान आपको पता चली हो या आपने उसको ज्यादा explore किया हो within yourself? आह
नहीं ऐसा कुछ हाँ मुझे बस ये इस चीज का एहसास हुआ कि हाँ मुझे कुछ थोड़ा सा मैं अभी चाह रहा हूँ कि इस अरसे में मुझे कोई एक जब तक मैं निकलूँ मैं कोई इंस्ट्रूमेंट सीख लूँ बजाना. इट कुड बी आइदर सितार और वायलिन और पियानो. और मुझे मुझे इस चीज का बहुत एहसास हुआ है कि ये चीज मेरी जिंदगी में बहुत कम है. मुझे कुछ कुछ ऐसा करना चाहिए. प्लस यस चैरिटी अल्लाह का शुक्र है कि मैं हमेशा से, ये बताने की बात नहीं होती लेकिन मैं कभी कभी इसलिए बता देता हूँ कि शायद जो लोग हमें फॉलो करते हैं उनको इस चीज से एक मोटिवेशन भी मिले और एक आप एक बहुत पॉजिटिविटी प्रोपगेट जनरेट कर रहे होते हैं माशरे में. जो आपको देख रहे होते हैं वो आपको फॉलो करते हैं. जो चैरिटी करने का जो मौका मिल रहा है इस दफा और वो उसको बताने की जरूरत नहीं है प्लीज आप, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जो अपनी सफेद पोशी का भरम रखे हुए हैं उनकी तस्वीरें लगा के या आप अपने आप को बड़ा करके. लेकिन ये बड़ा अच्छा मुझे एक मौका मिला है अपने आप को इस तरफ लेके जाने में और लोगों की हेल्प करने में. और सिर्फ लोगों की नहीं है रम, ये एक बड़ी अजीब सी बात मैं करूंगा, प्लीज जानवरों का भी ख्याल करें, प्लीज पौधों का भी ख्याल करें. यहाँ तक कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, चीजों जैसे पानी, उसका ख्याल करें. जिस तरह हम बहा रहे होते हैं, जिस तरह, प्लीज मैं आपसे एक अलग से एक बात चल पड़ी है बट अगर मौका मिल गया तो मैं इस मौके को जाने नहीं देना चाह रहा हाथ से, कि आप गाड़ियां धो रहे होते हैं तो आप, क्योंकि आप घर में फ्री हैं तो आप पानी बहा बहा के जो है ना पूरे रोड पे बह रहा इवन होता मूड है लोगों होते की हैं राइट आप पानी खोल के मुंह जो है धोते में, तो ब्रश करने में आप भूल जाते हैं कि आगे आने वाले वक्त में कितना सख्त, कई कई मुल्कों में, शहरों में पानी खत्म हो चुका है. जानवरों के बारे में सोचिए, किसी भी जानदार को मारना, उस पर जुल्म करना बिल्कुल हमारे मजहब का ऐसा नहीं है. अब मजहब को ही ज्यादा हम लोग समझते हैं ना, दुनियावी बात को तो हम करेंगे तो आप वो सीरियस ही नहीं ली जाएगी. लेकिन प्लीज आप इस बात को समझिए कि हम जिस नबी के मानने वाले हैं उसने जानवरों तक के हकूक का ख्याल किया है. मैं कोई पीटा का मेंबर नहीं हूं लेकिन मैं बड़ा सपोर्ट करता हूँ इन चीजों को कि प्लीज प्लीज ख्याल करें. परिंदों को कुछ नहीं तो बाजरा ही डाल दिया करें, जो खाना बच रहा होता है वो, लेकिन किसी भी जानवर पे जुल्म ना करें. इंसान तो बहुत दूर की बात है. सो प्लीज चैरिटी करें दिल खोल के जितना भी, क्योंकि ये पैसा वैसा सब यहीं रह जाना है. जब आपके बैंक में रह जाएगा और आप चले जाएंगे फिर आप सब सवाल किया जाएगा तो आप सोचेंगे काश ये पैसा मैं किसी को दे के चला जाता जो मुझे दुआ दे रहा होता, और दुआ नहीं भी देता तो अल्लाह तो देख ही रहा है. इमरान यू हैव टू से हाई टू एनी एंड जुहेर क्योंकि वो बार बार एनी मैसेज एंड कर जुहेर, रहे बिल्कुल जी. हाय हाय एनी, हाय जुहेर, आर यू गाइज और टुगेदर और ये अलग नो अलग देयर है? टू डिफरेंट पीपल अच्छा मैंने ऐसे रिश्ता बना दिया ना, मैच मेकिंग चले मैच मेकिंग करने बैठ गया मैं तो यार. गया और इमरान मुनिजा कह रही है कि आप उनके बेटर हाफ है गर्ल्स रियली लव यू मैन अच्छा मुनजा, हाँ ओ मुनिजा थैंक यू कह सो रही मच मुनजा. कहाँ हैं है आप, और कहाँ हैं आप मुनजा? मैं तो अपने बेटर हाफ को ढूंढने जा रहा हूँ इस दुनिया में, कहाँ है वो? आज ही मेरी बहन की डांटती हुई मुझे कॉल आई थी, उन्होंने कहा कि बस बहुत दिन हो गए, एक्सपायर होने वाली एज आ रही है, एक्सपायरी आ रही है तुम्हारी, प्लीज मिल लो किसी So why are से. you what, like क्या qualities होंगी that you're looking for in a partner क्योंकि as you said कि आप बहुत अरसे से सिंगल है राइट एंड आपको घर से भी जो है ना मतलब कि क्या शादी करनी है नई टाइप कॉन्वर्सेशन ऐसा मैं आपको कुछ सही बताऊं कि आई वाज सो सो बिजी वर्किंग. मैं इतना मैंने काम किया है कि मुझे जिंदगी के इतने इम्पोर्टेंट डिसीजन को लेने में जो सोचना, ढूंढना, उसके साथ वक्त गुजार के, मैं बहुत डरता हूँ किसी भी इंसान के साथ एकदम मिल जाने के बाद कुछ उसके कॉन्सिक्वेंसेस. खैर बुरा जब होना होता है तो वो तो कैसे भी हो जाता है, लोग मिल मिल के भी बहुत अरसे एक दूसरे को नहीं पहचान पाते. लेकिन वो वक्त मुझे नहीं मिला. एंड नाउ आई थिंक इट्स बिकॉज जब हम आप 20s में होते हैं ना तो आपकी मोल्डेबिलिटी आपके अंदर, आप बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं. लेकिन एक सर्टेन एज के बाद आप भी डिफिकल्ट हो जाते हैं. तो आई थिंक आई हैव बिकम ऑल्सो अ वेरी डिफिकल्ट पर्सन टू बी And विद. also you're very तो sure about मुझे what you like and what you don't like, ना? I mean, difficult होने के साथ साथ आपको अपने बारे में भी awareness ज़्यादा हो जाती है ना कि क्या है जो एग्जैक्टली एंड यस, फिर जो आज से 10 साल पहले मेरी रिक्वायरमेंट्स, मेरे प्री रिक्विजिट्स थे और सब कुछ थे, वो अब नहीं है. एंड इट गोज और बोथ आगे भी वेज. वो मैं ये नहीं बदलते कहता कि रहते हैं राइट वो हर गुजरते दिन बदल रहे होते हैं. और मैं कौन होता हूँ चूज करने वाला, ये तो दूसरे का भी काम है ना. ये तो लड़की भी उसी जगह पर होती है तो वो भी तो मुझे एक्सेप्ट करे, पसंद करे. ये मुझे
बड़ी अजीब सी बात लगती है। हम कहते हैं कि लड़का पसंद करे, लड़का किसी लड़की को रिजेक्ट करे, एक्सेप्ट करे, वाय? सोसाइटी में ये तो दोनों तरफ से होना चाहिए ना। हाँ, ये सोसाइटी ही हमारी है। ये तो लड़की को भी जब मेरे साथ वक्त गुजार के, हो सकता है उसको मेरी बहुत सारी बातें पता चलें जो उसके हिसाब से ना हो, तो ये जो कंपैटिबिलिटी होती है ना, ये बहुत अच्छी तरह छान पटक के, क्योंकि गलत इंसान के साथ जिंदगी गुजारना उससे बड़ा अजाब होता है कि आप अपने पसंद के इंसान के साथ जिंदगी ना गुजारें। तो सही तो इंसान, एज आई सेड, कि सही इंसान में क्या, व्हाट आर थ्री थिंग्स दैट यू थिंक कि एक देखिए, इंसान में बिसाइड्स होना लॉयलिटी, चाहिए? सिंसेरिटी, ये सारी चीजें तो होती ही हैं, बट अंदर से शायद कोई पहचाने या ना पहचाने और माने या ना माने, मुझे लाख लोग ये कहें कि भाई तुम तो फिल्म एक्टर हो या टीवी एक्टर हो और बातें तो बड़ी है, क्योंकि तो कमीजें उतार उतार के तो तस्वीरें तुम्हारी लगी होती, लेकिन मेरे अंदर डेफिनेटली एक कनेक्शन अपने गॉड से एक बड़ा स्ट्रांग है, और मैं चाहता हूं कि जो मेरी जिंदगी में आए वो भी इसी तरह, उसकी सोच जो हो वो ऑर्थोडॉक्स ना हो, वो कंजर्वेटिव ना हो, बट यस, बेसिक्स बहुत बहुत मैटर करते हैं जिस पे हम बात करेंगे। तो अब वो इस VOA के उसके ऊपर मैं बैठ के क्या बताऊं, लेकिन यस, वी शुड डेफिनेटली टॉक अबाउट आवर बेसिक्स, आवर बिलीव्स, एंड दैट इज आई थिंक नाउ, क्योंकि अब से कुछ अरसे पहले तक मैं जब बात करता था टीवी के ऊपर तो मेरी मेरे बातें कुछ और होती थी, लेकिन अब मुझे लगा है कि मुझे एक ऐसी लड़की की जरूरत है जिसकी बिलीफ मुझसे मिलते हों, जिसका जो कनेक्शन मैं अपने रब से बनाता हूँ, और मुझे समझता हूँ कि जो मेरे वो वही उसके अंदर वो, और क्योंकि हमारे बच्चे कंफ्यूज ना हो, वो ऐसा ना हो कि ये, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है वो हम उसको बहुत मुश्किल टाइम देने वाले हैं, उसको हर तरह से एनवायरमेंट, उसको रिलीजन, उसके बिलीव्स, उसका ब्रॉटअप, उसकी एवरीथिंग, उसका एजुकेशन, सब कुछ, वो एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजरने वाली है अगली जनरेशन। इवन हमारे जो छोटे भांजी भांजे, भतीजे भतीजी वगैरह हैं, वो छोटे बहन भाई हैं, वो बहुत मुश्किल एज में जाने वाले हैं, जो कि हम अल्लाह का शुक्र है कि हमने उतना मुश्किल वक्त नहीं गुजारा, हमने बड़ा अच्छा, एक बड़ा रॉ सा टाइम गुजारा है, जब हम सड़कों पे, गलियों में खेलते थे, पतंगे उड़ाते थे, पेरेंट्स के साथ बैठते थे, हमारा वैल्यू सिस्टम बड़ा स्ट्रांग था। अब जो ये वक्त है ये बड़ा खतरनाक आने वाला, उसके लिए हमें बहुत प्रिपेयर होकर सोचना पड़ेगा, हमें अपनी फैमिलीज भी प्लान करने से पहले बहुत सोचना पड़ेगा कि आप किस एज में उनको धकेल रहे हैं, एंड इज इट लाइक एक्चुअली इंपॉर्टेंट टू हैव सच अ ह्यूज फैमिली जिसको आप कंट्रोल ही ना कर पाए, जिसका सारा का सारा सिस्टम। तो इट्स अ वेरी डिबेटेबल थिंग, सो वो चीज बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। बट यस, आई लाइक समवन टू हैव अ समवन हैव समवन टू हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। मुझे लगता है कि जिंदगी के मुश्किल वक्त में आपका पॉजिटिव रहना और अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं कि आपके क्लोजेस्ट फ्रेंड्स कौन से हैं और इंडस्ट्री में क्या आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं या नहीं, प्लीज कुछ सुनाइए अपनी आवाज में. क्या सुनना चाहेंगी? आप मुझे बताइए सबसे अच्छा आप क्या गाते हैं. मैं तो बहुत सब कुछ गा अच्छी सी गजल कितना हम्बल हूं ना सुनाएं. मैं, कितना कितना मॉडेस्ट हूं। मैं अभी, क्योंकि रमजान के दिन है, तो मैं आपको चीसी को एक नात सुनाता हूँ, और ये वो नात है जो कि लता जी ने एक फिल्म में गाई थी, मुगले आजम में या अनारकली में, और सिचुएशन ये थी कि अनारकली को जब दीवार में चुनवाया जा रहा होता है, तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करती है। सो इट वाज अ ब्यूटीफुल रेंडिशन जो कि मैं आपको सुनाऊंगा, और इसका एक पुराना फ्लेवर है जो कि आपको शायद पसंद आए अगर आप पुराने गाने और पुरानी चीजें मुझे सुनते बहुत हैं। पसंद है पुराने गाने. ओके, ये है बेकस पे करम कीजिए सरकारे मदीना। बेकस पे करम कीजिए सरकारे मदीना, बेकस पे करम कीजिए सरकारे मदीना, गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफीना, बेकस पे करम कीजिए, है वक्ते मदद आइए बिगड़ी को बनाने, बिगड़ी को
बनाने पोशीदा नहीं आपसे कुछ दिल के फसाने, जख्मों से भरा है किसी मजबूर का सीना, बेकस पे करम कीजिए। Wow, that was wonderful. That थैंक was यू भाई, really good. दिल नहीं चाहता बहुत कि शुक्रिया सब कुछ छोड़ शुक्रिया। के बस सिंगिंग पे फोकस किया जाए. मैं कुछ कर रहा हूँ ऐसा Really? अभी जी, दो चीजें हैं प्लान में, और अभी कुछ दिनों पहले मैं एक बहुत अच्छा सा एक चीज प्रिपेयर कर रहा था जो कि 3 दिन पहले रिलीज हो गई, और आई वाज लाइक ओह ये तो किसी और ने कर दिया। ये जो अल्लाह के 99 नाम थे, ये पूरा का पूरा मैंने अरेंज कर लिया था, सब कुछ प्रिपेयर कर लिया था, एंड आई वाज सो प्रिपेयर टू रिलीज दिस, बस वीडियो बनना रह गया था। लेकिन अभी वो कहीं और से रिलीज हो गया, तो मैंने सोचा कि चलो अल्लाह का नाम है, जिसने भी ले लिया अच्छी बात है, बट आई वाज एक्चुअली प्लानिंग टू रिलीज दिस 99 स्माइल्स नाउ ऑफ गॉड। ओह या तो अभी और चीज जी, सो इमरान मुबीन कह रही हैं कि आप उनके फियांसे की तरह दिखते हैं. इकरा आपको हेलो बोल रही है. बहुत शुक्रिया जी, बड़ा प्यारा है आपका फियांसे। मॉडिस्ट की क्लासेस कहां से ले अब जो देखिएगा, अब नीचे कमेंट्स आएंगे, ओ ही सो फुल ऑफ हिमसेल्फ, ओ माय गॉड, और ये अब जो आएंगे ना नीचे, बस तैयार हो जाऊं मैं उसके लिए। कह रहे हैं रियली लवली. एक भाई मुझे कह रहे हैं कि दुबट्टा पहनो बहन. अलीजा कह रही है अच्छा नाइस जी वॉइस. बहन, आप जो है ना, देखें आपको अब ये समझ जो है ना, अब आप दूसरों के हिसाब से। ओह गॉड आई एम लूज. हेलो आई थिंक आपका इंटरनेट. या सो होपफुली इज गोना रिकनेक्ट. सॉरी यस वी लॉस्ट यू फॉर अ फ्यू सेकेंड्स. या जी आ गया, जी बिल्कुल. ओके। क्या कह रहे थे आप? हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि बस हम लोगों के हिसाब से जिंदगी गुजारेंगे, और हमें सब लोग बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। हमारा अपना तो कोई फैसला हमें हम तो जानते ही नहीं है ना कुछ। Tell me about your closest friends. कौन से हैं वो दोस्त जो बचपन से साथ हैं या नहीं हैं? बचपन से मेरे दोस्त हैं, एक जो मेरा दोस्त है वो अभी भी लाउंज में बैठ के टीवी देख रहा है, उसको मैंने कहा 1.5 घंटे से के लिए तुम बाहर नहीं निकलना जब तक कि मेरी खत्म ना हो। वो मेरा बचपन का दोस्त है, उसका नाम है शुएब, और वो है, और मुझे लगता है कि मेरे बचपन के जो दोस्त है बस वही दोस्त हैं, बाकी तो जो बाद में बने उसमें मेरी मीडिया में फॉर्चुनेटली आई मेट अ फ्यू वेरी गुड पीपल, लाइक मेरी रीमा खान बहुत अच्छी दोस्त हैं, आयजा मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, सनम जंग मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, सादिया खान मेरी अच्छी दोस्त है, और उज्मा एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। आप सोचेंगे सारी लड़कियां ही लड़कियां दोस्त हैं, लेकिन वो मेरा जो एक बचपन का दोस्त है वही मेरा दोस्त। मुझे लगता है कि उसके बाद जो दोस्त लड़के मेरे दोस्त बने वो ज्यादा उनके अंदर थोड़ी देर बाद ही आ जाता है, यार मुझे बताए ना मॉडल कैसे बनते हैं, अच्छा ये बताइए एक्टिंग में आने का क्या तरीका है। तो वो मैं सोचता हूँ कि भाई मुझसे कोई मुझसे भी बात कर लो, कुछ मुझसे भी प्यार कर लो, मैं भी एक इंसान हूँ इमरान अब्बास के अलावा, मैं एक मैं भी नॉर्मल एग्जिस्ट करता मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ। आप हूँ. हर मतलब एक सेलिब्रिटी से दोस्ती कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि बस सेलिब्रिटी ही हर वक्त कैमरे के पीछे भी कैसे, और आप उसको उसी पर्सपेक्टिव में देखें, तो जहां मुझे अंदाजा होता है कि पीछे कुछ और दिमाग में चल रहा है, बस वहां से वो मेरी जिंदगी से निकल जाता है। तो जो मेरे पुराने दोस्त होते हैं, उन्होंने जो आपके पुराने दोस्त होते हैं ना बचपन में, आपका अच्छा वक्त बुरा वक्त सब कुछ देखा होता है, उन्होंने आपके साथ सब कुछ शेयर किया होता है, और वो जो दोस्तियां होती है ना वो बड़ी बेगरज दोस्तियां आपको दोबारा नहीं मिलती, सो वैल्यू देम। क्योंकि अब टाइम का पता ही नहीं चला और आपको पता है कि 1 घंटे बाद ही कट अरे जाएगी. वाकई बट पता आई नहीं हैव चला जी फीलिंग बिल्कुल। के आई नो राइट. और मुझे लगता है कि आप मेरे मोहल्ले में रहते हैं इस्लामाबाद में, क्योंकि मैंने आपको बहुत दफा अरे देखा आप कहाँ, मैंने आपको क्यों नहीं देखा इरम। हाँ जी, मैं बस उधर ही, अब मैं एड्रेस बता दूंगा तो फिर आपको बड़ी मसला हो जाएगा हम दोनों को ना, लेकिन यस प्रॉब्ली हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मशहूर जमाना है जगह। ना. एग्जैक्टली. सो इसलिए मैंने मोहल्ला और विदाउट सेक्टर नेम. आप मुझे ये बताइए जाने से पहले कि एज यू सेड कि यू नो पाकिस्तान में पता है कि उस तरह के इंस्टीट्यूशंस नहीं है जहाँ पे आप एक्टिंग मॉडलिंग सीख सकें. और
कोई क्राइटेरिया भी उस तरह से आपको नहीं पता चलता, बिकॉज यू नो अगर फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है तो बहुत सारे लोग जो है ये ख्वाब लेकर ही चले जाते हैं. सो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। आई नो राइट. सो टेल मी लाइक यू नो सिंस अ लॉट ऑफ पीपल आर वॉचिंग अस, क्या व्हाट व्हाट इज इट दैट अ पर्सन नीड्स टू बी एबल टू बी एन एक्टर? क्या क्या चाहिए होता है पैशन के अलावा? ओके, यू वांट मी टू बी ऑनेस्ट, ब्रूटली यस ऑनेस्ट? यस दैट बी ग्रेट. गुड कॉन्टैक्ट, गुड कॉन्टैक्ट। मैं आपको सही बताऊं कि बहुत अच्छे अच्छे लोग, जो टैलेंट है उसको तो खैर कोई रोक सकता ही नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मैराथन में खड़े करने के लिए, खड़ा करने के लिए किसी को, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। कि आपके अगर ताल्लुकात होंगे तो आप कहीं ना कहीं से आपको एटलीस्ट, लेकिन फिर उससे ये होता है राम कि जब वो स्क्रीन पर आता है तो दूध का दूध पानी का पानी हो हाँ, जाता है। दरवाजा तो खुल सकता है तो कॉन्टेक्स्ट से, लेकिन हाँ, दरवाजा खुल सकता है, लेकिन उसके बाद आप वहां खड़े कैसे रहेंगे जब तक आपके अंदर टैलेंट नहीं होगा। तो बहुत से लोग आए, बहुत से चले गए, और जो टैलेंटेड लोग हैं उनके लिए मैं यही कहूंगा कि आप, अब आपके पास इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। हमारे जमाने में जब जब हमने शुरू, हमको इतनी पुरानी बात नहीं है, लेकिन उस वक्त ऑर्कुट का जमाना था और फेसबुक भी थोड़ा बाद में आया था, उस वक्त इतना कुछ नहीं था। अब तो आप अगर टैलेंटेड हैं तो यू हैव सो मेनी डिफरेंट वेज टू एक्सपोज योर सेल्फ टू द होल वर्ल्ड। सिर्फ पाकिस्तान की, इंडिया की बात नहीं है, आप सारी दुनिया में अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। आपके पास यूट्यूब चैनल बनाने का, आपके पास, आप इंस्टाग्राम पे, आप किसी भी तरह अपने आप को, देयर सो मेनी गुड डिफरेंट वेज इसके तरह आप, जिससे आप अपने आप को लोगों में प्रोमिनेंट करके उन तक अप्रोच भी कर सकते हैं। कास्टिंग एजेंसीज हैं, आपके प्रोडक्शन हाउसेस हैं, आप किसी भी डायरेक्टर को अप्रोच कर सकते हैं। अब कोई भी चीज दस्तरस से बाहर नहीं रही। पहले दरवाजों पे दस्तक देने का टाइम था और लाइनें लगाने का टाइम था और आप कॉल कॉल मिलाने का, अब तो हर कोई अपना कॉन्टैक्ट नीचे रखा हुआ होता है। तो आप अगर टैलेंटेड हैं और वो, और आपके ऊपर दरवाजा खुल जाता है, तो फिर हर किसी को अच्छे टैलेंटेड इंसान की जरूरत होती है, नो मैटर वॉट। तो होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपने ऊपर यकीन रखिए, अल्लाह पर यकीन रखिए। अगर आपका रिस्क ऐसे लिखा है तो वो आपको मिलके ही रहेगा कहीं ना कहीं। इमरान, इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो मच फॉर योर लाइकवाइज, टाइम, एंड होपफुली हम फ्यूचर में भी आपको दोबारा तंग करेंगे. यू टेक वेरी गुड केयर श्योर, ऑफ एनी टाइम, योरसेल्फ. एनी टाइम, एनी टाइम। यू टू, थैंक यू. थैंक यू राम। थैंक्स.